नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी है श्री कृष्ण भक्त मीराबाई की सत्य घटना। एक बार इंग्लैंड के महाराजा ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा कि आपका भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है। पत्र को पढ़कर अकबर विचार करने लगा कि सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है। उस समय तानसेन अकबर के नजदीक बैठे थे। अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, क्या तुम्हें पता है कि इस भारत में सबसे सुंदर रूप किसका है। तानसेन कहने लगे कि हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के ग्वाले का है। अकबर ने पूछा, वो वृंदावन का गवाला कौन है। तानसेन ने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण है। ये सुनकर अकबर ने पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखकर वो पत्र इंग्लैंड को रवाना कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम कहते थे कि भगवान का रूप बड़ा प्यारा है और सारी दुनिया उनसे प्यार करती है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा भी कोई इंसान है जिसे भगवान भी प्यार करते हैं। तब तानसेन ने कहा, अवश्य है। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनसे भगवान प्यार करते हैं। तानसेन की बात सुनकर अकबर ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। तुम अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान के दर्शन कराओ। तानसेन कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको अवश्य ले चलूंगा, परंतु इसके लिए आपको राजा के रूप में नहीं बल्कि रूप बदलकर मेरे साथ चलना होगा। अकबर तो सम्राट था, लेकिन वह देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे भगवान प्यार करते हैं। इसलिए वह बोला, मैं उनके दर्शन करने के लिए अपना रूप बदलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार तानसेन और अकबर ने अपना रूप परावर्तित कर लिया। अब वो दोनों धीरे धीरे दिल्ली से चलते हुए चित्तौड़ तक आए। चित्तौड़ पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ भक्त मीराबाई का महल कहाँ है। किसी ने बताया, वो जो दूर एक महल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भक्त मीराबाई रहती है। वो दोनों साधु का वेश बनाकर जैसे ही मीराबाई के महल में जाने वाले थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें ये कहकर महल में अंदर जाने से रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इस तरह रोके जाने पर वो बोले कि हम भक्त मीराबाई के दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आए हैं, हमें उनके दर्शन करने हैं। महल के बाहर खड़े सैनिक कहने लगे कि आप महल में मीराबाई को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मीराबाई यहाँ नहीं रहती हैं। वह तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में पड़ी रहती हैं। अगर आप लोगों ने उसके दर्शन करने हैं तो वहाँ मंदिर में चले जाओ। उसे सिपाही की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल के मंदिर में आ गए। जैसे ही वह मंदिर में पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक शोर पर बैठी मीरा अपने आँखों से आंसू बहा रही थी। उसकी यह अवस्था देखकर अकबर दंग रह गया। वह मीरा का तेज देखकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे हो सकता है। तानसेन की बात मानकर वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। अकबर ने तानसेन से कहा कि मुझे मीरा के बारे में बताओ। तब तानसेन ने कहा कि यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम में कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया है। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति थी। जब वह 4 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर
बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्णा तुम्हारे वर होंगे। इसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद मीरा की माँ का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में यह विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी। वह बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती थी, लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा से हुई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए काम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति वो अपने साथ लेकर गई, जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज पूरे करने के बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहाँ जाकर वो श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती है, उनके लिए मधुर आवाज में भजन गाती और नृत्य भी करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया था कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। मंदिर में बैठे तानसेन जी अकबर को ये सब बात ही रहे थे कि इतने में भक्त मीरा के नेत्र खुले। उसने देखा कि दो साधु मेरे पास आए हैं। उसने बड़े इज्जत मान के साथ उन दोनों महापुरुषों की सेवा की। अकबर तो शांत रहा, लेकिन तानसेन ने मीराबाई से कहा कि मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपका गिरधर गोपाल को एक भजन सुना सकता हूँ? मीरा ने कहा, अवश्य सुनाइए। तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाया। उस भजन को सुनकर मीरा और अत्यधिक प्रसन्न हो गई। अकबर और तानसेन के वेश बदलकर चित्तौड़गढ़ के मंदिर में मीरा के गाने सुनने की घटना ने मीरा का जीवन पूरी तरह बदल दिया। जब वो दोनों जाने वाले थे, तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर ने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। मीरा कहने लगी, इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल को सिर्फ भक्ति और प्रेम चाहिए। यह मोतियों की माला अपने साथ वापस लेकर जाओ। तब अकबर जिद करता हुआ कहने लगा, मेरी इच्छा है कि मैं इसे भगवान गिरधर गोपाल के चरणों में भेंट करूं। वो अपनी कीमती माला गिरधर गोपाल के चरणों में रखकर वापस चला गया। अकबर के जाने के बाद मीराबाई ने माला को सफाई कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चढ़ा दिया। जब वह माला श्री कृष्ण के अंगों पर चढ़ी तो धीरे धीरे इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। उसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे। उन्हीं दिनों मीरा की ननंद उदाबाई भी वहां आई। जब उसने वह महंगी मोतियों की माला देखी तो वह हैरान हो गई और सोचने लगी कि अवश्य कोई राजा यहाँ पर आया है। इसके बाद मीरा की नंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा, जो कि मीरा के पति थे, उससे कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुँचे। मंदिर पहुँचकर
उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखने के बाद राणा बेहद क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लांछित किया है। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कहती है कि यह मेरे स्वामी है, मेरा इसे विवाह हो गया है। इसके बाद मीरा ने राणा की कही बातों का पालन किया और वह गोविंदा, गिरधर, गोपाल जपते जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वह गिरने से बच गई। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने सामने देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वो कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। मीरा के इस कृष्ण प्रेम को देखकर राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेलजोल पसंद नहीं था। नंद उदाबाई ने महंगी मोतियों की माला की बात राणा विक्रम को भी बताई। उसने अपने भाई राणा विक्रम को कहा कि मैंने देखा है कोई व्यक्ति मीरा के गिरधर गोपाल को माला चढ़ा कर गया है। आप जाकर पता लगाओ कि वो कौन है। राणा विक्रम तो वैसे ही मीरा से द्वेष भाव रखता था। वो जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में आया और उसने वो मूर्तियों की माला देखी। जब उसने माला के नजदीक पहुंचकर उसे खींचने की कोशिश की, तभी अचानक वो माला टूटकर फिर मीरा के नजदीक आकर गिरी। राणा विक्रम ने ये चमत्कार देखा परंतु कुछ समझ ना पाया। ये चमत्कार देखने के बाद ही उसका मन भक्ति से नहीं भरा। उसने मीरा से वो माला खींच ली और उसे अपने महल में ले आया। महल में आकर जब उसने उसे माला को देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि माला के हर मोती पर अकबर का नाम लिखा हुआ था। वो मन से क्रोधित होकर सोचने लगता है कि हमारे महल की महारानी मीराबाई हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसलिए उसने अकबर की यह माला स्वीकार कर ली है। उस समय आपस में शत्रुता होने के कारण राजपूत और मुगलों का झगड़ा चलता रहता था। अब अकबर के इस हार को देखकर राणा का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने विचार किया कि अब मैं मीरा को यहाँ से भगा दूंगा या फिर उसे मारकर समाप्त कर दूंगा। उसने पहले भी मीरा को मारने के लिए बहुत बार प्रयास किए थे। एक बार उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई गई। राणा को ये बात पता थी कि मीरा को मारने का मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। उसने बड़ी युक्ति के साथ एक उपाय निकाला। उसने मन में सोचा कि ये जो गिरधर गोपाल है यही मीरा की शक्ति है। क्यों ना गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही मंदिर से निकालकर नदी में फेंक दिया जाए। जैसे ही वह मूर्ति डूब जाएगी उसे देखकर मीरा भी अपने प्राणों को नदी में समाप्त कर देगी। ऐसा विचार कर वो क्रोधित हो मीरा के मंदिर में आया। मंदिर में पहुंचकर
उसने गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। काफी प्रयास करने के बाद भी जब वो मूर्ति टस से मज नहीं हुई तो राणा ने क्रोधित होकर 3-4 सिपाहियों को और लगाया। उन्होंने मिलकर उस मूर्ति को मंदिर से निकालकर चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वो मूर्ति फेंकी गई, मीरा के प्राण कांठ में आ गए। भक्त भगवान के बिना कैसे रह सकता था, कहते हैं जिस तालाब में वो मूर्ति फेंकी गई, उसी तालाब में मीरा ने भी छलांग लगा दी। जैसे ही मीरा ने उस तालाब में छलांग लगाई, कहते हैं कि गिरधर की मूर्ति मीरा के हाथों में आ गई। इसके साथ ही एक चमत्कार और हुआ। यह इतना अलौकिक चमत्कार था कि इसके विषय में राणा ने सोचा भी नहीं था। मीरा ने चित्तौड़गढ़ के तालाब में छलांग लगाई थी। उसे निकालना तो चित्तौड़ के तालाब से ही था, लेकिन वो जाकर निकली वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था। जब मीरा ने बाहर निकलकर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि वो डूबी तो चित्तौड़ के तालाब में थी। अब निकल यहाँ वृंदावन में यमुना नदी से रही है। वो समझ गई, ये भगवान का ही प्रताप है। वो मूर्ति को लेकर बाहर आई और अब वह वृंदावन में रहकर ही भगवान की उपासना करने लगी। जब ये बात राणा विक्रम को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने मीरा को पुनः चित्तौड़ लाने के लिए बहुत प्रयास किया। वो नहीं चाहता था कि समाज में उसकी बुराई हो। लोग इस प्रकार कहे कि राणा सांगा की पुत्रवधु वृंदावन में संतों के साथ भक्ति कर रही है। राणा विक्रम चाहता था कि मैं किसी तरह मीरा को पुनः अपने महल में लेकर आऊं और महल में लाकर उसे अनेक प्रकार से यातनाएं दूं और मीरा की भक्ति में विघ्न डालूं। उसका ये प्रयास भी सफल हुआ। वह किसी प्रकार मनाकर मीरा को अपने महल में ले आया। उसने मीरा की भक्ति में विघ्न डालने के बड़े प्रयास किया। जब मीरा को मारने की कोशिश हद से ज्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। उन्होंने लिखा कि इस स्थान पर रहकर मेरी भक्ति में बड़े विघ्न आते हैं, आप कोई उपाय बताएं जिससे मेरी भक्ति सफल हो सके। तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे और वक्ती होते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज की बात मानकर मीरा अब द्वारिका आ गई। जैसे ही मीरा ने चित्तौड़ का त्याग किया, कहते हैं चित्तौड़ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आए दिन मुगलों की सेनाएं चित्तौड़ पर हमला करने लगी। मुगलों के बार बार हमलों से लोग परेशान हो गए। कईयों के घर उजड़ गए, कईयों के सुहाग नहीं रहे। ब्राह्मणों ने आकर राणा विक्रम से कहा कि अब आप प्रयास करो किसी तरह भक्त मीरा को मनाकर वापस ले आओ, अन्यथा हमारा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा। राणा ने ब्राह्मणों की बात मानकर कुछ विद्वानों को मीरा को मनाने के लिए द्वारकापुरी भेजा। ब्राह्मणों की बात सुनकर मीरा ने कहा कि अब मेरा स्थान यही है, अब मैं यही रहकर परमात्मा की भक्ति करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे कि जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही हम भोजन करेंगे और ना ही पानी पिएंगे। उनकी यह हठ भरी बात सुनकर मीरा कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने परमात्मा से पूछ कर आती हूँ, वह जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगी।
कहते हैं, मीरा भगवान के नजदीक गई और रोते हुए कहने लगी कि क्या आप मुझे फिर से उसी बंधन में डालना चाहते हो? आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ ही रहूं? आपकी भक्ति के बिना रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मुझे अपने प्राणों का त्याग कर आपके अंदर ही समा जाना है। मेरे ऊपर इतनी कृपा करो। मेरा ये जीवन आपके ऊपर ही सर्वस्व समर्पित हो जाए। इस प्रकार मीरा सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रार्थना करने लगी। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की चुनरी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। लोग भागते हुए मंदिर में आए। वो देखकर हैरान हो गए कि मीरा कहाँ गायब हो गई। जब उन्होंने मीरा की चुनरी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई देखी और वो ये सोच रहे थे कि यहाँ क्या हुआ है, तभी मूर्ति से आवाज आई कि भक्त मीरा मेरे अंदर ही समा गई है। अब वो चित्तौड़ नहीं जा सकती है। तुम इस मूर्ति से चुनरी का टुकड़ा ही चित्तौड़ ले जाकर रखो, तुम्हारे सारे उद्धव शांत हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर वह भगत चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ लेकर आए। कहते हैं, जब भक्त मीरा की चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ पहुंचा, तो चित्तौड़ में रहने वाले सारे व्यक्तियों के दुख दूर हो गए। इस तरह परमात्मा ने अपने भक्त को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। जो सच्चे भक्त होते हैं वो परमात्मा से दूर नहीं हो पाते हैं। जब ये सारी घटना तानसेन ने अकबर को बताई तो अकबर भी यह सुनकर हैरान हो गए कि भगवान की मूर्ति में ही मीरा का समावेश हो गया है। अकबर के मन में भी मीरा के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। वो मान गया था कि भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अगर सच्चे मन और विश्वास के साथ भक्ति करी जाए तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।